बड़ी खबर है। उरी सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। तो वहीं इस एनकाउंटर में दो आतंकी ढेर हुए हैं और उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये हथियार और जो तमाम जखीरा बरामद किया गया है आतंकियों के पास से, उसकी तस्वीरें हैं। और दिवाली से ठीक पहले आतंकियों को इस बड़ी घुसपैठ को पुलिस ने कैसे नाकाम किया, ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग भी रहा है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी रही है। बताया जा रहा है कि जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, सुरक्षा बलों को उसके इंटेल मिला, उसके बाद में पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ। दो आतंकी ढेर किए गए और उनके पास से यहाँ पर देखिए पाकिस्तानी करेंसी, कैसे यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं, तमाम यहाँ पर जो वस्तुएं हैं वो इनसे बरामद की गई है। और इसी के साथ चलिए अब आपको बताते हैं कि आतंकियों से सुरक्षा बलों ने क्या क्या सामान बरामद किया है। इनके पास से हथियार बरामद किए गए, और हथियार भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि AK-47 बरामद किए गए हैं। दो AK-47 और 6 पिस्टल इनसे बरामद की गई। इसके अलावा 4 चीनी ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। और देखिए किस तरीके से कंबल यानी कि जो बाकी का सामान है, जानकारी ये भी है कि इनसे 2 बैग भी मिले हैं। आप ये समझिए हथियारों के साथ साथ अन्य सामान, पाकिस्तानी करेंसी, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, पाकिस्तानी करेंसी मिली है, पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय करेंसी भी मिली है। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने एंट्री की और बाकायदा दवाइयां मिली हैं, दवाइयों के रैपर्स पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। खाने पीने का सामान भी मिला है, यानी कि पाकिस्तान से ही ये पूरी तैयारी करके यहाँ पर घुसपैठ करी इन्होंने। और जो इनके नापाक मंसूबे थे, ये सुरक्षा बलों ने पहले ही देखे किस तरीके से बड़ी कामयाबी इस पर हासिल कर ली है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी साहिल सोहेल इस वक्त श्रीनगर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, सुरक्षा बलों को ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जिस तरीके से इन आतंकियों ने घुसपैठ किया, और ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े मिशन की तैयारी में ये थे। देखिए बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है और उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक ही एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश थी जिसको नाकाम बना दिया गया है। दो आतंकवादियों को फिलहाल इसमें मार दिया गया है। 21 तारीख को ये ऑपरेशन शुरू होता है। दिन के 3 बजे के करीब सुरक्षा एजेंसियों को मूवमेंट दिखती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और साफ दिखता है कि कुछ आतंकी जिनकी तादाद 5 से 8 हो सकती थी, वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के बाद ही सेना ने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया और दो आतंकवादियों को फिलहाल इसमें मार गिराया गया है। बड़ी मात्रा में हथियार, जिसमें 2 AK-47 राइफल्स, पिस्टल्स और चाइनीज ग्रेनेड शामिल हैं, वो वहां से रिकवर हुए हैं। आज तीसरे रोज भी सेना का सर्च ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के इस उरी सेक्टर में लगातार जारी है। और जो आधिकारिक तौर पर जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया है कि कुछ आतंकवादियों को जो है इंजरीज भी हुई है, वो घायल भी हुए हैं, और उसके बाद वो फिर पीओके की तरफ वापस भाग गए हैं। लेकिन ये एक बड़ी साजिश और बड़ी घुसपैठ की कोशिश थी जिसको इस बार जो है सुरक्षा एजेंसियां और सेना ने खासतौर पर वहां पे नाकाम बनाया है। इस साल करीब 5 ऐसी घुसपैठ की कोशिशों को सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस इलाके में नाकाम बनाया है। 17 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन उनमें से ये सबसे बड़ी घुसपैठ की कोशिश बताई जा रही है जो आज तीसरे जो इस वक्त जो है जिसको नाकाम बना दिया गया है। और तीसरे रोज भी आज उरी सेक्टर में जो है ऑपरेशन चल रहा है, दिन था इसके बाद एक बड़ी सफलता मिली है। साहिल, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तमाम जखीरा मिला